एसपी, जी सर। अब एक लड़की जिसका का रेप उसके पिता ने किया, ये आपका केस है, मेरा केस नहीं है, ठीक? सर जब एक डीएनए रिपोर्ट आ गई थी कि जो अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहा है वो गर्भस्थ शिशु का बायोलॉजिकल या जैविक पिता नहीं है, जी सर और वो डीएनए रिपोर्ट आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी। सर एक माइनर लड़की जिसका कि किसी एक और आदमी ने भी रेप किया है, ये आपके डीएनए रिपोर्ट सर, जब आपने जो डीएनए रिपोर्ट पेश की थी उससे ये समझ में आपको भी आ गया था कि जो एक माइनर या अवयस्क बालिका है उसका रेप किसी और व्यक्ति ने भी किया है, जी तो आप लोगों की संवेदनाएं मर गई थी क्या? सर सर ये हमारी तरफ से एक मेजर सर ये लैप्स हुआ है मेजर लैप्स और हुआ उसमें है, जी सर और उसके बाद जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए और आपके अधिकारी ने कह दिया, हमने हाथ जोड़ के सब पूछ लिया और उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? लोगों से हाथ जोड़ के पूछ लिया, जो उन्होंने बोल दिया वापस आके कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए, या अगर आपको सीधे सीधे एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको फिर सरकमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढने के प्रयास करना पड़ेगा। ये आपको पुलिस विभाग में नहीं समझाया जा रहा क्या? नहीं सर, हमें पूरे प्रयास करने थे सर और उसमें नहीं कमी रही सर। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है और एक सरकमस्टेंशियल एविडेंस पर आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका पुलिस विभाग आपको नहीं समझाता क्या? सर बताया जाता है सर, बताया जाता है। समझाता है सर। जी सर अब जब आपका अधिकारी आप ही के विभाग के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के खिलाफ यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने बहुत बयान दर्ज कर लिए, कोई कुछ नहीं बता रहा, और आप उस बयान को अपने एफिडेविट में छुपा रहे हैं जो कि हमारी ही ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है, तो आपका आपके इस कृत्य को क्या समझा जाए, बस ये बता दीजिए। सर, मेरा हम्बल सर रिक्वेस्ट है सर नहीं, रिक्वेस्ट कि इस छोड़ दीजिए, जी सर रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। आपने जो छुपाया है और ये प्रोजेक्ट किया है कि हम तो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपके विरुद्ध क्या विचार बनाऊं, बस इतना पूछ रहा हूं। सर, सबसे पहले सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर, परंतु क्षमा छुपाने नहीं का चाहिए प्रयास सर, मैं ये नहीं कर रहा क्षमा था क्षमा हमें क्या लेना आपको क्षमा करके या ना करके सर, सर। मुझे तो भारत के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे बस उतना ही करना है। सर मुझे इतना मालूम है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता बिना उसको सुने हुए, तो आपको सुन रहा हूं। आप कोर्ट को बेवकूफ बनाने का प्रयास करने में इतने अग्रणी क्यों हैं, ऐसा दिमाग में प्रश्न आया तो हमने कहा पूछ लेते हैं। प्रयास सर मेरा ऐसा बिल्कुल भी प्रयास नहीं था सर, नहीं था तो सर, ये 3 मई बिल्कुल 2024 का आदेश जिसमें कि आपके आईओ के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और तो और उसने उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों छुपाया गया अपने एफिडेविट में? सर ये आयु ने जो ये किया है सर, वो उसका आपने एफिडेविट प्रोफेशनल में क्या? काम है अरे आपके आईओ को मैं देख लूंगा, चिंता मत करिए। तो सर। आप कह रहे हैं कि हम बड़े अब ईमानदारी से अपने आईओ को देखेंगे, तो हम तो आपको सर देखेंगे सर, बस आईओ का क्या करेंगे, आईओ की तो जिम्मेदारी आपने ले ली है। आप तो सर पिछले दिन से चालू हो गए सर, आप तो पहले ही दिन से चालू हो गए कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि आपको मालूम है कि उसी कोर्ट में लग रहा है जिस कोर्ट ने राइट फ्रॉम डे वन जिस जो कोर्ट उसको डील कर रही है। बस इतना सा बता दीजिए कि आपके आईओ ने जब हाथ खड़े कर दिए थे उसको छुपा के आप ऐसा क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम तो अपने मन से करते चले जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन। सर ये ओमिशन हो गया है सर, इसमें ये जानबूझ के ओमिशन नहीं हो किया गया सर, गया है बस तो ये यही इसलिए ओमिशन क्यों हुआ, बाकी क्यों ओमिशन नहीं हुए? तो सर।
वो आपके विरुद्ध ऑब्जर्वेशन क्यों ना किया जाए, बस इतना बता दीजिए, उसके बाद हम दूसरे के मुकदमे सुनेंगे। सर ये गलती से ही ओमिशन हुआ है सर, मैं इसको अरे ओमिशन तो जैसे कि गलती से ऑप्शन ही को सुधारने होता है से एसपी साहब। सर आप लोग के तो आप लोग कभी बोले हो कि हमने सही काम किया है? हमेशा ही कहते हो गलती से गलती हो गई सर। आपके खिलाफ क्या स्ट्रिक्चर पास किया जाए, बस इतना पूछा, उतना ही लिखा दूंगा मैं। गलती मत स्वीकार कीजिए सर, गलती स्वीकार कर लेंगे तो आपको आगे मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर, यही निवेदन है सर कि इसमें छुपाने का कोई भी वो नहीं था सर। फिर भी छुपाने का ये प्रयास किया आपने, छुपाना नहीं चाहिए था, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर भी आपने प्रयास किया। क्यों, बस 2 मिनट है सर, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। सर सर यही निवेदन है सर कि इसमें जो उसका गलतियां जो पाई गई थी सर, उसपे डिटेल करते हुए और उस पर कार्रवाई आप कर रहे देखिए सर। साहब, सर आप उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, आप उसको जो भी सर करें प्रमोट करें सर, उसमें क्या है, हमें क्या परेशानी है सर, क्या तो प्रमोट कर दीजिए ना। मैं कोई एम्प्लॉयर हूं क्या आपका एसपी साहब? मैं क्या आपका एम्प्लॉयर हूं? सर मैं तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के एटीट्यूड को देख रहा हूं कि अपने अधिकारियों को एक तरफ बोलते हैं कि गलत है और दूसरी तरफ बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको नाकाबिल लोग चाहिए अपने विभाग में। तो मैं यही कह रहा था कि अगर एक बार बोल दें कि हाँ हम नाकाबिल लोगों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, हम प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देंगे लिख के कि आपको नाकाबिल लोग चाहिए। हम कहा कुछ कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाना आपका काम है, मेरा थोड़ी है। आपको काबिल चाहिए कि नाकाबिल चाहिए तो आपका सरदर्द है, मेरा थोड़े है। आप बस बोल दीजिए, हम खत्म कर देंगे। हमें क्या है, हम तो आपका बोलिए तो हम तो सस्पेंशन भी रिक्वेस्ट करते हैं उसका, यहीं से बैठ के। तो आप बोल तो दो कि हमें नाकाबिल आदमी चाहिए सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर, नकाबिल चाहिए, आदमी पर नहीं उसको बचाने का पूरा प्रयास चाहिए करेंगे। और उसके आगे भी सर हम गलती उसके स्वीकार बाद भी सुधार आप करेंगे उसको सर, इसलिए यही बचाने का निवेदन पूरा सर। उसके बाद भी आप उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, तो यही हम फाइंडिंग देके आपके डीजीपी के पास बिल्कुल भी भेज नहीं रहे हैं। करेंगे सर। मैं सर एसपी, आपने मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन देना है मैं देके आपके डीजीपी के पास भेज दूंगा। दैट इज ऑल, थैंक यू। इफ यू वांट टू से एनीथिंग मोर सर, देन प्लीज मेक योर सबमिशंस। अब नो नो मोर फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम मी सर। सर मेरा सबमिशन बस यही है सर कि ये गलती भूलवशी हुई है सर, इसमें यही निवेदन है सर, और किसी को बचाने का प्रयास अभी भी नहीं हो रहा है सर, उसको हम जो कार्रवाई कड़ी से कड़ी करेंगे सर, और सभी अच्छे से कार्रवाई करेंगे और सर। यू आर एडमिटिंग दैट यू हैव नॉट एडमिट, क्या करोगे वैसे, है ही नहीं एफिडेविट में, बट स्टिल यू आर एडमिटिंग, बट योर कंटेंशन इज दैट इट वॉज बाय मिस्टेक, राइट? और जी सर, जी सर देन इट इज फॉर मी टू एक्सेप्ट योर कंटेंशन और नॉट। सर जी सर ओके, थैंक यू सर, सर नमस्कार सर। नमस्कार।